दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिपर्टी फार्मेसी मैटेरिया मेडिका और आर्गेनॉन को समाप्त किया था। मुझे काफी कमेंट आ रहे थे कि जीएस पे वीडियो बनाएं, तो जीएस पे हमने एक वो बताया था सिलेबस कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज कर सकता है। अब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे पिछले 2013 में क्या क्वेश्चन अराइज किया गया था, फिर 2018 में क्या जीएस से क्वेश्चन अराइज हुआ था, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको समझने से एक हमें ये फायदा मिलेगा कि हम लोग एग्जामिनर का फुटप्रिंट समझ जाएंगे कि एग्जामिनर 2013 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, फिर 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, उससे हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अराइज हो सकते हैं और उसकी हमें उस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2013 में यूपी पीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 2013 में क्या क्वेश्चन अराइज किया था, HMO। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, अक्रॉस द वर्ल्ड 21 फरवरी इज द सेलिब्रेटेड डे। 21 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में क्या सेलिब्रेट किया जाता, तो इसका राइट आंसर हुआ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। क्लियर, फर्स्ट इसका राइट आंसर हुआ। अब वहीं पे हम देखते हैं सेकेंड, द मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इज डन बाई। सॉइल मॉइस्चर किससे, इसका स्ट्रेस किससे मेजर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हुआ टेंसियोमीटर। क्लियर। फिर अब हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीग्राम ऑपरेटर ट्राई अप विथ यूनिसेफ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन अफ्रीका। यूनिसेफ के साथ मिलके कौन सी टेलीकॉम कंपनी अफ्रीका में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की थी, इसका राइट आंसर हुआ भारतीय एयरटेल। क्लियर, ये 2013 में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, इसीलिए मैं बोलता था कि पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने से क्वेश्चन वहां से हमारा न्यूज पेपर से क्लियर होता, न्यूज पेपर से। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट रिसेंटली इशू ए बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी फॉर फॉरेनर। सरोगेसी मीन्स बच्चे को एडॉप्ट, मीन्स जो कुक जो होती है, इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सरोगेसी मीन्स पुरुष आते हैं और कमर्शियल सरोगेसी करते हैं गरीब कंट्री जो होती है उनसे, तो जो कमर्शियल सरोगेसी फॉरेनर्स के लिए कौन सी कंट्री ने बैन किया था, इसका आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप लोग देख लें। मैरिटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया था, चाइना ने। ये भी कहां से मिला था, न्यूज पेपर से। अगर हम लोग न्यूज की स्टडी करें तो ये हमें पता चल जाएगा, मैरिटाइम सिल्क रोड को इनिशिएटिव किसने किया था, चाइना ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच नहीं, फुलझार लेक ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश में, राइट। पुष्कर लेक, पुष्कर कहां है, राजस्थान में, पुष्कर लेक कहां मिला, राजस्थान में। सात ताल बहुत फेमस है, नैनीताल प्रसिद्ध है, ये कहां है, उत्तराखंड में। लोनार लेक कर्नाटका, गलत, लोनार लेक जो है वो पूना के पास कोई बहुत फेमस जगह है, ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है, लोनार लेक मुंबई और पुणे के बीच में है, तो यहां से ए हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं एट, तो हमें एक चीज क्या समझ में आया यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट, लेक की स्टडी करना है। ठीक, पहला तो लेक की स्टडी करना, नदियों की स्टडी करना, थोड़ा नदी भी देख लेंगे, इंडिया में कौन कौन सी नदी हैं जो फेमस नदी हैं, जैसे यूपी में कौन कौन सी नदी बहती हैं जो फेमस है, इसकी स्टडी, लेक की स्टडी कर लेंगे और नदी की स्टडी कर लेंगे। फिर अब हम देखते हैं लोकल जो है, लोकल नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है कि थोड़े समय के लिए जो खेती होती है वो चेंज होती रहती है, थोड़े समय के लिए ये अप्लाई होता है, जैसे लिस्ट
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट। मिल्पा कहाँ है, मिल्पा कहाँ किया जाता है, मिल्पा जो होता है वो लैटिन अफ्रीका में, मिल्पा लैटिन अफ्रीका। फॉन्ग कहाँ पे है, अफ्रीका, अफ्रीका। लैंडोंग कहाँ है, इंडोनेशिया। फिर वहीं पे झूम कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में। क्लियर, तो पहले का दूसरा बी का कौन सा आंसर हुआ, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इंडिया हो गया। तो तीन चार, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, बी इज राइट आंसर। क्लियर, अब हम लोग एट देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज कॉल्ड नियाग्रा ऑफ इंडिया। अब हमें क्या देखना है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट मिल गया, वाटरफॉल, वाटरफॉल को भी स्टडी कर लेना और यूपी के भी वाटरफॉल की स्टडी करना। तो नियाग्रा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, इसको बोल कुंची कॉल फॉल, लैंग सिंह फॉल, हॉन्गेन खॉल फॉल और जोक फॉल। तो इसका राइट आंसर हुआ लॉन्गेस्ट सीन, लॉन्गेस्ट सीन फॉल। इसको एक और नाम से जाना जाता है के सेड, के सेड उर नार, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर, राइट आंसर बी। तो हमें क्या स्टडी करना है, वाटरफॉल की स्टडी करना है, नदियों की स्टडी करना और लेक की स्टडी करना है। क्लियर, अब देख लेना ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं उसकी भी हमें स्टडी करना है, उससे भी क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, कमारा ये कहां पे मिलती है, फेक कहां पे मिलता है, खैरा कहां पे मिलता है, टोडिया कहां पे मिलता है, इसकी स्टडी आप लोग स्वयं करें और देखें ट्राइब्स जो है किस स्टेट में कौन सी ट्राइब्स मिलती है। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं टेंथ, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन फिलोसफी वाज डॉक्ट्रिन ऑफ सिंडे वार्डन, डॉक्ट्रिन ऑफ सिंडे वार्डन राइट आंसर हुआ। इसको एक बार आप कंफर्म कर लें, स्वयं कंफर्म कर, कंफर्म बाय हिमसेल्फ, खुद कंफर्म करें। व्हाट हुई अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ आर्केटिक होम ऑफ वेदास। आर्केटिक होम ऑफ वेदास जो है इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आर्केटिक होम ऑफ वेदास के जो राइटर हैं वो हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग बाई कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या है, अब हमें वेद जो है हमारे यहाँ कौन कौन से वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, और ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद और यजुर्वेद, चार वेद हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तो ऋग्वेद जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ऋग्वेद इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद अथेरियन ब्राह्मणा। सामवेद किससे है, तांड्या ब्राह्मणा। यजुर्वेद किससे है, सतापथ ब्राह्मणा। यजुर्वेद सतापथ ब्राह्मणा ठीक है। अथर्ववेद किससे है, गोपथ ब्राह्मणा। तो क्या हुआ, ए का क्या हुआ दूसरा, बी का क्या हुआ चौथा, बी सामवेद किससे, तांड्या ब्राह्मणा से।
यजुर्वेद सी, यजुर्वेद किससे एसोसिएटेड है, सताप ब्राह्मणा। डी अथर्ववेद किससे, गोपथ ब्राह्मणा। ए दो चार, दो चार तीन एक, दो दो चार तीन एक बीच राइट आंसर क्लियर। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल्स सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड बाई गांधी जी इन अक्टूबर 1940। मीन्स यहाँ पे क्या स्टडी करने को बोला जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, नेशनल मूवमेंट से नेशनल मूवमेंट की बात की गई। तो नेशनल मूवमेंट तो क्या पूछ रहा है, सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंट मींस सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें इसमें प्यार से बोला जा रहा था अंग्रेजों से कि हम आपका काम नहीं करेंगे। तो उसमें गांधी जी के साथ किसने, कौन से व्यक्ति ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, आचार्य विनोबा भावे ने। क्लियर। फिर चौदह देखा जाए, फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेनोर ऑफ टेनेंसी, फ्रीक्वेंट एनहेंसमेंट ऑफ रेंट, नॉन अफेबल। क्लियर नहीं है, आप लोग खुद इसको देख सकते हैं। फिफ्टीन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ट ऑन, अब यहां क्वेश्चन पूछ दिया फाइव ईयर प्लान, फाइव ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था, लॉन्च कब किया गया था, 1951 में। ठीक है, इस समय कौन सा फाइव ईयर प्लान चल रहा है ये आप लोग देखें। तो किस पे बेस्ड था, महालनोबियस मॉडल, महालनोबियस मॉडल पे था। बट फर्स्ट जो था किस पे था, हेरोड डोमार मॉडल, हेरोड डोमार मॉडल पे फर्स्ट बेस्ड था, सेकंड बेस्ड था महालनोबियस मॉडल पे सेकंड बेस्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रेज कैन बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा कौन सा वेव को या रेज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर नहीं है बट मुझे लग रहा है अल्ट्रावायलेट रेड, कंफ्यूजन है। प्रोवाइड अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, प्यूरा मॉडल वाइज डेवलप बाय, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, हमने पेपर पढ़ा था, हमें याद था, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको लॉन्च किया था। A stone rest in bottom of cup filled with water, the appearance depth of stone is, जैसे एक ग्लास ले लिया, अगर इस ग्लास में हमने क्या किया, पूरा पानी भर दिया, पूरा पानी भरने के बाद इसमें एक स्टोन डाल दिया, तो उसका जो अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर इक्वल टू रियल डेप्थ, लेजर देन रियल डेप्थ, ग्रेटर देन इट्स रियल डेप्थ, इसको एक बार आप लोग करके ट्राई करें। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ आईज टू फोकस ऑन नियर और फार ऑब्जेक्ट विच एडवांसिंग एज, इसका क्या होगा, प्रेस बायोपियास में क्या होता है, एज रिलेटेड, ये होता क्या है, एज रिलेटेड लॉस ऑफ एकोमोडेशन, मींस एज रिलेटेड आई विजन प्रॉब्लम होती है। द प्रेजेंट रूलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका राइट आंसर था बलवंत राय मेहता कमेटी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन पीआईएल, व्हेन पीआईएल, पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, किसने इंट्रोड्यूस किया था, पीएन भगवती ने, बहुत इंपॉर्टेंट। पीआईएल से 2018 में भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, एक कहां से, एक क्वेश्चन कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ये अराइज किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, एक और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन अराइज कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इराडिकेट अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत एंड प्रोहिबिट इट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे रोक लग गई मतलब छुआछूत पे रोक लगाएगा इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 17, क्लियर। अब यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बनाते हैं, एक पिरामिड बना दिए। तो सबसे पहले क्या होता है, विलेज, विलेज समिति या फिर ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, दूसरा पे क्या होता है ब्लॉक्स, ब्लॉक समिति, फिर क्या होता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो है, विलेज लेवल भी है, ब्लॉक लेवल भी है, तहसील लेवल, तो कौन सा इसमें नहीं है, तहसील लेवल राइट आंसर हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में सबसे सुप्रीम क्या होता है, द पार्लियामेंट, द रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो राइट आंसर क्या हो गया, संविधान। फिर यहां मैथ से क्वेश्चन अराइज कर दिया, द मंथली इनकम ऑफ राजेश, ये मैथ का सॉल्व करेंगे, अभी एक सर हैं उनसे मैं सॉल्व करवाता हूं, अब बाकी आप लोग देख लें। फिर 10+% will be equal to 20% of 10+10% of 20, अच्छा 19, which of the following class of seed is not known in India, किस तरह का seed India में नहीं पता चलता, एक किससे, agriculture से, nuclear seed, breeder seed, registered seed, certified seed, clear आप लोग कर लें। Dopog is the process of sowing of wheat, nursery of raising seed, मुझे लगता है ये राइट आंसर है, बट एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर ले। अब हम लोग यहाँ पे बात किए थे, अभी किसकी बात किए थे, 2013 की, अब हम लोग देखेंगे 2018 में क्या क्वेश्चन अराइज किया था, इसको मैंने नोट डाउन किया, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड कॉलिंग गांधी जी ग्रेट सोल और महात्मा, किसने गांधी जी को ग्रेट सोल और महात्मा कहना स्टार्ट किया था, तो राइट आंसर है जस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इंपेयर अकबर सन प्रिंस, एक सेकेंड, ए यूपी पीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर एचएम, किसकी बात की जा रही है, 2018 की बात की जा रही है। अब इंपेयर अकबर सन प्रिंस मुराद, अकबर का जो पुत्र था प्रिंस मुराद, उसका डेथ कैसे हुआ था, ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था इस वजह से उसकी डेथ हुई थी। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर ऑफ महायान सेक्ट इन इंडिया, बौद्ध धर्म में दो या दो दो फॉलोवर हैं, एक है हीनयान और एक है महायान, तो महायान लिटरेचर सेक्ट इन संस्कृत, इसका राइट आंसर हुआ संस्कृत। इंग्लिश आज द सकिंग ऑफ ब्लड ऑफ इंडियन टू होम दिस स्टेटमेंट बिलोंग, ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है, किसने बोला था कि इंग्लिश जो है इंडियंस का खून चूसती है, दाराभाई नौरोजी राइट आंसर। अयोध्या बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर बैंक ऑफ फॉलोइंग, किस रिवर के पास सिचुएटेड है, गोमती रिवर, गोमती कहां पाती है, लखनऊ, यमुना, लखनऊ में फेमस है गोमती, यमुना, घाघरा, घाघरा जो है स्टार्टिंग होती है, इसका राइट आंसर है घाघरा, अयोध्या घाघरा के किनारे सिचुएटेड है, जब वहां से क्या वो होती है घाघरा बहती है, बट जब अयोध्या में पहुंचती है तो सरजू हो जाती है, अयोध्या से आगे निकलती है तो सरजू हो जाती है, सॉरी अयोध्या में सरजू हो जाती है, फिर आगे निकलती है तो घाघरा हो जाती है। विच स्टेटमेंट ऑफ इंडियन वाइज, इससे मैं क्यों बता रहा हूं, इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में एग्जामिनर किस टाइप्स के क्वेश्चन अराइज करता है,
पिछला आप लोग देखेंगे और अभी देखेंगे तो आपने देखा मैंने क्या बताया, लेक पढ़ना है, नदियों को पढ़ना है। यदि हमें नदियों की जानकारी रहेगी तो ये क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और लेक की बात किया, फिर बात किया था ट्राइब्स की, बात किया था किस ट्राइब, इंडिया में कितने ट्राइब्स के लोग बिलोंग करते हैं, ये सब हम लोग को स्टडी करना है। हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, खुद बताएंगे किस तरह से इसको सामान्य अध्ययन में कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो पूरा मैं नोट्स इस पे मेरे साथ के लोग काम कर रहे हैं, हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ शुगर इन 2013 में शुगर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा था? महाराष्ट्र। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, ट्राइब्स की जो बात मैं कर रहा था उसकी बात यहाँ पे देखिए पूछ रहे, कौन? ओडिशा, टोडा आसाम, गोड आंध्र प्रदेश, मोडा झारखंड। तो अब हम लोग ऐसे कैसे इसको कैसे क्लियर किया, जैसे आप लोग देखेंगे अर्जुन मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। गोंड आंध्र प्रदेश, टोंडा आसाम और कौन? ओडिशा। इसमें कौन सा इसमें राइट आंसर नहीं है, इसको एक बार आप लोग देख लें, इसको आप लोग स्वयं देख लें एक बार, मुझे कंफर्म नहीं है बट इस वजह से मैं इसको वो कर दिया, छोड़ दिया। ऑन विच डेट लेंथ ऑफ नाइट इज मैक्सिमम इन साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर पर सबसे लंबी जो रात होती है, नाइट होती है, कौन सी होती है, किस डेट को होती है? 22 दिसंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लाइन ऑफ ग्लोब्स, ग्लोब्स में कौन सी लाइन जो होती है नोन एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट इंटरनेशनल डेट लाइन को विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लाइन इन ग्लोब्स नोन एज, उसको ग्लोब्स में इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से किसको जानते हैं? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रॉपिक कैंसर 180 लॉन्गिट्यूडनल लाइन, नहीं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। फॉर एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 140, ये किससे क्वेश्चन आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143 हाउ मेनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए बेंच, तो कितने जज चाहिए? 5 जज। पब्लिक इंटरेस्ट, पिछले में भी एक PIL से क्वेश्चन अराइज किया था, यहां भी एक PIL से क्वेश्चन अराइज कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एक्सेप्टेड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है किस हाई कोर्ट इंडिया अंडर फिच सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत हाई कोर्ट PIL को एक्सेप्ट करता है? तो आर्टिकल इसके लिए राइट आंसर 227 मुझे लग रहा है, सॉरी 226, राइट आंसर इज 226 नॉट 227। मे आई टेल यू दैट देयर इज नथिंग लाइक 0 आवर्स, हुज स्टेटमेंट इज अमंग द फॉलोइंग लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ने किस लोकसभा स्पीकर ने बोला था? मे आई टेल यू दैट देयर इज नथिंग लाइक 0 आवर्स, नॉट क्लियर बट यहीं पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? माननीय ओम बिरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माननीय लगाना, ठीक है? हम इंटरव्यू के समय जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे तो उस समय बताएंगे कैसे आपको इंटरव्यू देना है, किस तरह से। जैसे अभी मेरे माइंड में आ गया कि माननीय लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग गवर्नर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन वर्क इन हिज ऑफिस, लेस देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट टिल 5 ईयर्स। बिल्कुल, गवर्नर कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? जब तक
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब तक चाहे, इस समय महोदया है इसलिए महोदया बोला, जब तक चाहे। कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारी प्रेसिडेंट हैं, अकॉर्डिंग टू संसद 2011। अच्छा एक चीज और देखना, 2011 में जो काउंटिंग हुई थी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हुए थे। मींस यहां देखिए, फिर थोड़ा सा हमें स्टडी तो डिटेल्स में करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वाज, क्या अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 13.16 राइट आंसर। इन इंडिया द इंस्टीट्यूट विच एस्टिमेट द नेशनल इनकम इज, इन इंडिया द इंस्टीट्यूट विच एस्टिमेट, कौन सा इंस्टीट्यूट है विच एस्टिमेट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, तो इसके लिए सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है राइट। तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड, तेंदुलकर कमेटी किससे रिलेटेड है? एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, एस्टिमेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंट। राइट आंसर है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, नॉट क्लियर बट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी तेंदुलकर कमेटी, हाँ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। द डेमोग्राफिक डिवियंट इज डिफाइंड एज ए राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन फीमेल मेल रेशियो, इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन, राइजिंग द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। राइट आंसर है राइजिंग द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, राइजिंग द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। भारत रत्न बहुत इंपॉर्टेंट ये था 2018 में, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का डेथ हुआ था और वहीं से क्वेश्चन अराइज किया था कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का डेथ कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर था 16 जुलाई 2018। The joint sitting of both of House Parliament of India is presided by Speaker of Lok Sabha, President of India, Chief Justice of India, Vice President of India. Lok Sabha, Rajya Sabha, ये दोनों की जब बैठक होती है, joint संयुक्त बैठक होती है, तो उसको कौन preside करता है? Lok Sabha, Speaker of Lok Sabha. In which country was Asian Games 2018 held? एशियन गेम 2018 किसमें हुआ था? इंडोनेशिया में। अभी कोई गेम चल रहा है क्या, ये देख लें, अगर कोई जैसे ओलंपिक कोई एशियन गेम चल रहा है तो उससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। Who obtained gold medal in 2018? सॉरी, Who obtained gold medal in 800 मीटर रेस इन एशियन गेम 2018? किसने ये पाया था? मनजीत सिंह ने, राइट। फिर विच ऑफ फॉलोइंग प्लेयर इज नॉट करेंटली मैच, क्रिकेट, क्रिकेट का प्लेयर कौन है? विराट कोहली, सभी लोग जानते हैं। स्पोर्ट मनजीत सिंह, ठीक है स्पोर्ट्स हैं। लॉन टेनिस विश्वनाथन आनंद, बिल्कुल नहीं, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? चेस, चेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हॉकी ध्यानचंद, इनसे बड़ा धाक हॉकी का आज तक कोई प्लेयर ही नहीं हुआ। एक चीज और आज मैं आप ही लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हॉकी तो इंडिया की हमारा राष्ट्रीय खेल है, बट उत्तर प्रदेश का राज्य का जो खेल है वो कौन सा? वो भी हॉकी है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो खेल है वो भी हॉकी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ विट प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया का विट प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? सेकेंड रैंक है। फर्स्ट रैंक यहीं पे बात करेंगे तो किसकी है? चाइना की है। विट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक चाइना की है और सेकेंड रैंक हमारी है इंडिया की, और वहीं पे फर्स्ट रैंक हमारी कौन सी है? राइस की, राइस में हम पहले स्थान पे हैं।
व्हाट आर द फॉलोइंग आईसीएआर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन वाराणसी? ये किससे आ गया क्वेश्चन? एग्रीकल्चर से। आईसीएआर रिसर्च क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, राइट आंसर हो गया। ह्यूमन आई बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर? हमारी आंखें किस कलर के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। जैसे हम रोड से जा रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक बोर्ड लगा रहता है कि आपका इस क्षेत्र में स्वागत है, वहां का नगर पालिका अध्यक्ष रहता है तो बोर्ड जरूर लगवाया रहता है, या रोड के किनारे एक बोर्ड लगा रहता है कि ये जो जोन है, एरिया है, तो मतलब दुर्घटना युक्त एरिया है, इस तरह की चीजें लिखी रहती है। तो किस कलर पे लिखा रहता है? ग्रीन पे। तो हमारी यहाँ के सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होती है? ग्रीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेंटली में? प्रेशर के लिए पास्कल, हीट के लिए जूल, और इंडक्टेंस के लिए ओम, गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर, राइट। 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB कितने के बराबर होता है? 124 MB के बराबर होता है। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर? इसको हम देखते हैं। अगर 61 एवरेज है तो 63 फिर 65, इधर हम आ जाते हैं 57, 59, ऑड नंबर की बात हो रही है। तो 65 माइनस 57 हो गया कितना? हो गया 8, राइट आंसर इज 8। अब हम सरी को बुला लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4x + 8, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? एक पेरीमीटर, इसका एरिया सर आइए आप ही बताइए। आइए बैठिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं। वेलकम सर। सर हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा मैथ से रिलेटेड आप लोगों का इक्वेशन सॉल्व करें। सर दिया होगा इफ द पेरिमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4x + 8, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर का एरिया क्या? इसमें सर देखिए, जो पेरिमीटर होता है ये 4 times होता है साइड के जी। तो अगर साइड आपको निकालनी है तो पेरिमीटर को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ सर। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4x + उधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा सर, इसी पे लिखिए सर। हाँ, मान लीजिए 4x + 8 है और इसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया जी, तो ये आपकी साइड मिल जाएगी, ये आएगी x + 2 जी, x + 2। और चूंकि आपको एरिया चाहिए तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल इसका स्क्वायर आ जाएगा x² + 4 और +4x जी। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ए आ गया 2x, स्क्वायर किया तो 2x, नहीं x² + b² + 2 भी, तो ये हो गया x², बिल्कुल 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 राइट। x² + 4x + 8 चूंकि 2 है तो 4x और +2 का स्क्वायर यानी 4, राइट आंसर भी क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, हम लोग फिर क्लियर कर देंगे, इसीलिए सर को बुलाएं। इस शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10%। ये क्या कर रहा है कि कोई सामान खरीद रहा है तो उसको क्या कर रहा है? अरे ये तो सही था। ए शॉपकीपर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4% एबव द कास्ट प्राइस, ही अलाउ द सर्टेन डिस्काउंट एंड सफर लॉस ऑफ 1%, हाउ मच डिस्काउंट ही अलाउ? तो क्या कर रहा है कि सर बताएं आप। वैसे तो सर इसका प्रोसेस अगर जाएंगे तो लेंदी है, लेकिन जी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो सीधे आप सीपी को 100 ले लीजिए, सीपी को 100 ले लिया सीपी को जी। अब इसमें आपने 10% इंक्रीज कर दिया जी, तो 110 हो गया, मार्क किया 110 हो गया, बिल्कुल। अब इस पे वो कुछ कंसेशन दे रहा है, छूट दे रहा है 1%, लेकिन छूट के बाद उसको 1% का लॉस हो रहा है, बिल्कुल राइट। यानी उसको 99 rupees मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए था 100 से ज्यादा जी। अब 99 यानी इसमें आपको माइनस कितना हो गया? 11। अब 11 जो है 110 का 10%, बिल्कुल तो राइट, यानी उसको 10% का यहाँ से 10 is right answer, क्लियर। इतना डिस्काउंट, हाँ ठीक है।
अब हम लोग यहीं पे थोड़ा पिछला देख लें। एक और क्वेश्चन ने पूछा था पिछले 2013 में, हम लोग देखते हैं 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा। हाँ, 25th से राइज किया था, 25th में क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ राजेश इज, राजेश एंड मोहन आर 4:3 एंड देयर एक्सपेंस आर रेशियो 3:2। इफ इच सेव 600 एट द एंड ऑफ मंथ, देन द मंथली इनकम ऑफ राजेश इज। इसको सर देखिए, इसमें रेशियो में चुकी दिया है जी, तो राजेश की आप इनकम ले लेंगे 4x, बिल्कुल, और मोहन की आप ले लेंगे 3x, बिल्कुल, और एक्सपेंस आप ले लेंगे y के टर्म में, तो इसका एक्सपेंस है 3y जी, और इसका है 2y जी। अब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो सेविंग मिल जाएगी जी, तो इसका आपका मिलेगा 4x माइनस 3y, क्लियर, और इधर मिलेगा 3x माइनस 2y, क्योंकि दोनों की सेविंग इक्वल है, इक्वल है, तो आप इसको इक्वल कर दें, बिल्कुल, इसको आप कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस 3x यानी x और 3y माइनस 2y यानी y, x और y की वैल्यू सेम आ गई, सेम आ गई। अब राजेश की इनकम कितनी है, 4x है। अब यहाँ से देखिए ये सेविंग कितना आपकी हो रही है, तो 4x माइनस 3x अगर आप कर रहे हैं यानी x आ रहा है, तो x की वैल्यू आपकी आ जा रही है 600, क्लियर। अब x की वैल्यू 600 हो गई, बिल्कुल, और इनकम कितनी है 4x, तो 4 में आपने 600 मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो हो गया 2400, ओके क्लियर। ए फादर इज नाउ 3 times ओल्डर एज हिज सन 5 years बैक। एक फादर जो है 3 times ओल्डर है अपने सन से 5 साल पहले, ही वॉज 5 times एज ओल्डर एज सून, इस समय 5 times ओल्ड है, द एज ऑफ फादर एट प्रेजेंट, इस टाइम उनकी एज कितनी है जी। ठीक है, तो देखिए इस समय अभी वो 3 times ओल्ड है जी, तो अगर सन के हमने एक्स ले लिया 5 नहीं नहीं ही वॉज 5 years लेटर के दे रहा है, ओ अभी करंट में वो 3 times है यहाँ, बिल्कुल, फादर इन नाउ, राइट, अभी सन के हमने एक्स लिया तो फादर हो जाएंगे 3x, राइट। अब 5 years लेटर जाएंगे तो इसमें से भी आप 5 minus करेंगे जी, तो x माइनस 5 हो गया जी, और इसमें से भी करना पड़ेगा तो 3x माइनस 5 हो गया। यस सर, अब x माइनस 5 का 5 times करेंगे जी, तो ये चूंकि 5 years पहले 5 times है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 5, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस 25 जी, 5x में से 3x माइनस करेंगे यानी 2x जी, और ये 25 में से 5 माइनस हो जाएगा यानी 20, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10, x जो है सन है करंट टाइम में, बिल्कुल। अब ये पूछ किसका रहा है, फादर का, तो मल्टीप्लाई 10 का 3 times यानी 30 years, तो ये उसका 30 years फादर 30 years में। फिर वही एक क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इसको देख लें सर आप 20, देखिए हाँ यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपको एक टर्म दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर अपन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपन ए बी, तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और अपान में ए बी सी, बिल्कुल। अब ये हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, तो इस पे एक फार्मूला हमारा होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो ऊपर की वैल्यू हमारी हो गई 3abc जी, और नीचे हमारा है abc, तो abc abc कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। एक और क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ 10 प्लस 10% ऑफ 20 विल बी इक्वल टू, तो 20% ऑफ 10, तो 10 का 20% आप निकालेंगे तो 10 into 20 upon 100 यानी 5 से आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 2, ये 20% हो गया जी, और क्या है 10% ऑफ 20, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा जी, तो ये आपका, फिर यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 30% ऑफ 10 जी, ये आपका आ जाएगा 3, 30% ऑफ 20 ये आ जाएगा 6, 15% ऑफ 30 तो ये आपका आ जाएगा 15% नहीं 15% ऑफ 30 है ना, तो 30 × 15/100 ये आपका आ जाएगा ये 320 फिर ये 3 यानी 9/10 यानी पॉइंट में आएगा 20% ऑफ 20 ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू।
हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि आप लोगों का, थैंक यू सर, काफी कोशिश किया कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करें कि लोक सेवा आयोग किस टाइप से क्वेश्चन एराइज करता है। ये जो मैथ का क्वेश्चन था, ये किस क्लास 10 लेवल तक का क्वेश्चन एराइज किया है। हम लोगों ने अभी क्या करना है, हम लोगों को मेन फोकस करना है जीएस पे, संविधान पे। हम लोगों ने ये जो देखा कॉन्स्टिट्यूशन पे, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो इस तरह आप लोग देख लें कि किस टाइप से क्वेश्चन है, झील से क्वेश्चन है, मीन्स लेक से क्वेश्चन एराइज, नदियों से, ट्राइब से, मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पर फोकस करना है और इसकी स्टडी करना है। साथ में न्यूज़पेपर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट्स होता है तो हमें कमेंट करें, मैं जरूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी कुछ कमेंट आ रहे हैं कि पीएम से बताइए, बिल्कुल पीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम से भी क्वेश्चन एराइज होते हैं, बट अभी हम लोग जीएस रिलेटेड वो कर रहे हैं। और जैसे ये देखिए, इस ये मैंने क्या किया था, खुद नोट डाउन किया हूं और आप लोगों को बताने के लिए। ऐसे ही हम लोग अब बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज।